हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद तोमर, स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो आप इसको बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप साबूदाना। अब साबूदाने को हमें क्या करना है, इसको भिगो कर रखना है हमें पानी में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा धो लेंगे, वॉश करेंगे। अब इसे धोने के बाद इसे आधे घंटे पानी में भिगो कर रख देंगे, उससे ये फूल जाएगा। हम उसके बाद इसे खीर में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए साबूदाना हमने आधा घंटा पानी में भिगो कर रखा था और अच्छे से फूल चुका है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये आधा लीटर। मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो आधा लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इसको तेज आंच पर बॉईल आने देंगे। फ्रेंड्स, देखिए दूध में उबाल आ गया है, इसको एक बार चला देंगे और अब इसमें डाल देंगे हम ये साबूदाना भीगा हुआ। अब इसे हमें पकाना है जब तक कि हमारा जो दूध है गाढ़ा ना हो जाए। साबूदाने की बहुत ही बढ़िया ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। और ये खीर अपने अकॉर्डिंग जितना आप मीठा रखना चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है और मैं आधा कप ही चीनी यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने आधा लीटर दूध का यूज़ किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप आधा लीटर दूध में आधा कप साबूदाना बना रहे हैं तो आप आधा कप चीनी यूज़ कीजिए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, चीनी को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कम करना चाहते हैं तो उसे आधा कप से कम लीजिएगा। तो अभी हम इसी तरह से इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसमें इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं। तो ये खीर व्रत में खाई जाती है। अगर आपने व्रत रखा है तो ये एक फलाहारी खीर है, जो कि आप जब व्रत रखते हैं तो उसमें आप भगवान को भोग लगाकर दिन के समय इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं मुझे खीर को पकाते हुए और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमें यहाँ पर ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर किशमिश और बादाम ले लिया है बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ और इसी में हमें ऐड करनी है चीनी। तो चीनी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अपने अकॉर्डिंग रखनी है, मैं यहाँ पर आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर, मतलब धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर इसे हमें चलाते हुए पकाना है। ध्यान रखिएगा बीच बीच में चलाते जाइएगा ताकि ये खीर लगे नहीं तली में। और यहाँ से ये देखिए साइड में जो दूध यहाँ पर गाढ़ा होता जाता है ना, वो जमता जाता है, उसे भी आप निकालते रहिए कि उसमें वो क्या है, रबड़ी टाइप हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खीर का। तो अच्छे तरह से इसे इस तरह से पकाते हुए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। पूरा टाइम मैं आपको बता रही हूँ, दूध उबालने से खीर बनने तक का टाइम 15 मिनट्स में खीर ईजिली बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतना ही है, इतनी ही खीर अगर आप बना रहे हैं तो बस 15 मिनट हमारे लगते हैं पूरी खीर के प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं ये खीर गाढ़ी होती जा रही है। तो अभी 5 से 7 मिनट हमें और पकाना है इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे गैस को बंद कर रही हूँ और इसे मैं निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है, एकदम गाढ़ी हो गई है और अभी ठंडे होने तक काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स, साबूदाने की खीर बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।